धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसकी चर्चा आज भारत के साथ पूरे विश्व में हो रही है। यह देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। यह सिंगापुर से 1.5 गुना बढ़ा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में स्थित है, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 133 किलोमीटर और राजकोट से 172 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भारत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परियोजनाओं का एक हिस्सा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट से भारत के विकास में बहुत तेजी आएगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां 4 टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी उपलब्ध हैं। SDDDH के मार्ग के लिए यहां बड्ढे एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। धोलेरा स्मार्ट सिटी के नजदीकी बंदरगाह का भी निर्माण किया जाएगा। यहां वायु मार्ग के लिए धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। ट्रेन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए यहां मेट्रो का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अहमदाबाद से धोलेरा 45 मिनट में पहुंचा देगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी में अब आपको किसी सरकारी या बिजनेस संबंधित कार्यों के लिए अलग अलग कार्यालयों या ऑफिसों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। धोलेरा के ABCD बिल्डिंग में सिंगल विंडो सिस्टम रखा गया है, जहां सभी कार्यों को एक ही विंडो द्वारा पूरा किया जाएगा। इस सिस्टम के कारण आज देश के बड़े बिजनेसमैन और कंपनियां धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आनंद महिंद्रा, अजित गुलाबचांद, गौतम अदानी आदि। गुजरात की धोलेरा स्मार्ट सिटी में बनी कृत्रिम नदी, जाने इसकी खासियतें। गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में बनी देश की पहली मानव निर्मित नदी। फोटो जागरण अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की नगरी धोलेरा स्मार्ट सिटी, जहां एक ओर देश और विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है, वहीं भारतीय उद्यमी अम्बरीश परजिया ने यहां मानव निर्मित नहर व मानव निर्मित नदी का निर्माण कर धोलेरा सिटी के आकर्षण में 4 चांद लगा दिए हैं। गेप एसोसिएट के निदेशक अम्बरीश बताते हैं कि समय की तीव्र गति के साथ समन्वय करते हुए भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो वैश्विक स्तर पर हर विधा और क्षेत्र में एक नया आयाम और पहचान स्थापित कर सकता है। भारतीय इतिहास के त्रेता युग में अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ पवित्र
गंगा को ब्रह्मलोक से धरती पर लाए थे। वर्तमान काल में ऐसा ही एक भगीरथी प्रयास भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने किया। साबरमती रिवरफ्रंट के स्वप्न को साकार करके तथा इसके बाद स्मार्ट सिटी धोलेरासर में मानव निर्मित कृत्रिम नदी बनाने की दिशा में किया जा रहा है।